मेरठ में DIOS ऑफिस में सहायक वित्त एवं लेखा अधिकारी नीरज कुमार को विजिलेंस की टीम ने 70,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। विजिलेंस पुलिस अधीक्षक शमशेर सिंह ने बताया कि बुलंदशहर के हाजीपुर निवासी अजय प्रताप से शिकायत की थी। अजय प्रताप सरकारी ठेकेदार है, जिस पर मेरठ में स्कूलों का निर्माण कार्य का ठेका है। आरोप है कि निर्माण कार्य पूरा होने के बाद फाइल पास करने के लिए नीरज कुमार ने 70,000 की रिश्वत मांगी थी। अजय प्रताप ने विजिलेंस की टीम से संपर्क किया, उसके बाद टीम ने अजय कुमार से फोन कराकर नीरज कुमार को रकम लेने के लिए BSA ऑफिस बुलाया। BSA ऑफिस में नीरज कुमार को 70,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़कर टीम नौचंदी थाने लेकर आई। नीरज कुमार के खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की गई। ये एक बुलंदशहर के अजय प्रताप सिंह है, जिनका की एक स्कूल यहाँ पर है, और उनके द्वारा विजिलेंस में शिकायत की गई थी कि यहाँ पर 70,000 रुपए की डिमांड फाइल पास कराने के लिए मांगी जा रही है। उस सूचना पर शमशेर सिंह DISP है, ये प्रभारी ट्रैप टीम है विजिलेंस के, इनके द्वारा अपनी टीम के द्वारा वहाँ पर ट्रैप किया गया। तो DIOS ऑफिस के पास गेट पर ये जो हैं बाबू नीरज कुमार, ये 70,000 रुपए लेते हुए रंगे हाथ पकड़े गए हैं, और इस संबंध में थाना नौचंदी में मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और इनको जेल भेजा जा रहा है। इस मामले में रिश्वत मांगी गई, इनके द्वारा एक जो शिकायत की गई जय प्रताप सिंह द्वारा, उन्होंने बताया कि एक उनका स्कूल है, उस संबंध में पत्रावली पास करने के लिए इन्होंने पैसे की डिमांड